हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है थोड़ा सारिया का थोड़े अपने इस चैनल मॉडल बुटीक च। फ्रेंड्स, अज मैं थोनों कटवर्क वाले कपड़े पर जिदे ऑलरेडी पहला कटवर्क होया हो मोरिया से उस सलवार की कटिंग दसागी। उस तो पहला फ्रेंड्स, जिन्होंने हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया प्लीज़ सबसक्राइब कर दो, बैल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली नवी वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़ा सब तो पहला मिल सके। स्टार्ट कर दें अज की वीडियो। फ्रेंड्स, ये मेरे को 2 मीटर कपड़ा आ कटवर्क वाला, ये साइड पर बॉर्डर बनया हुआ है तो नीचे कटवर्क बनया हुआ है, पूरा 2 मीटर कपड़ा आ। ये सलवार बनानी है अज मैं, तो यदि मोरिया है जिंदा पहले कटवर्क होया हुआ है, ये मोरिया किस तरह बनानिया ये भी मैं थोड़ा दसना। देखो मेरे को पूरा पूरा 2 मीटर कपड़ा आ, इनू आप एक बार तो लेंथवाइज इस तरह फोल्ड कर लिया आ, ये डबल कपड़ा आ, ठीक है जी। तो एक बार फिर इनू ऐसी तरह फोल्ड करना है, चार तह करनी है इस कपड़े दियाँ। फ्रेंड्स, जो आप तह लगानी है तो जोड़ा ये कटवर्क हैगा आ, इनू एक दूजे के पूरा पूरा बराबर बराबर रखना है इस तरह उपर, ठीक है जी। अगे पिछे कटवर्क नहीं करने है दोनों साइडा के, इस तरह इनू ये उपर पूरा फोल्ड कर देना। देखो साढ़ा जोड़ा कटवर्क हैगा इतों तक आ रहा है ये पूरा पूरा। फ्रेंड्स देखो कटवर्क मैं सेम मिला लिया है, चारा तह का, चार तह हो गई है, एक दो तीन ते चार, ठीक है जी, चार तह हो गई। तो इन्ना कपड़ा साड़ा जड़ा है ये एक्सट्रा है, ठीक है जी। तो हुण देखो हुण आपां नापनी हैगी लेंथ, ये बंद वाली साइड तो नापनी है, ठीक है जी। हुण देखो ये नीचे पहला ऑलरेडी कटवर्क बनया हुआ है, आपां एक एक पैर का सिर्फ सिलाई दे विच देना हैगा नीचे, जिथे आपां मोरी नीचे अटैच करनी हैगी है, ठीक है जी। तो हुण आपां लेंथ नापनी हैगी अपनी, लेंथ 3.5 इंच रेडी रखनी है, ठीक है जी। आ जिहड़ा डूंघाई वाला हिस्सा आ वो तो आपां नापनी हैगी है 3.5 इंच। 3.5 इंच दे विचों आपां 4 इंच तो आप बैल्ट का कढ़ देना आ, तो बाकी जोड़ा है अपना ये नीचे पल्ले रखने हैं। फ्रेंड्स, मैं 3.5 इंच के 4.5 इंच कटा देना आ, ठीक है जी। 31 इंच पिछे बचता आ, 31 इंच आप इतों लेना आ, तो 1 इंच आप मार्जन का ऐड करना है जो सिलाइया दब जाना है, ठीक है जी। मतलब कि टोटल 32 इंच की आप नीचे लेंथ की कटिंग करनी है, इतने हो गया 32 इंच। हुण 32 इंच से आप मार्किंग कर देनी है, तो इस मार्किंग आप सीधा कर लेना है। तो हुण इत्थे रखना हैगा अपना आसन, ठीक है जी। फ्रेंड्स, जेदा थोड़े को ज़्यादा कपड़ा हैगा या उपर पाने एक्सट्रा मियानी पाने हैगा या कपड़ा, फिर तुसी इत्थे मियानी पा सकते हो आसन वड्डा रख के। फ्रेंड्स, हुण मेरे को एक्सट्रा कपड़ा पिया आ बैल्ट पाने के लिए, इसलिए मैं सलवार का गेट थोड़ा जहा बधाना आ, इसलिए जरा उपरों कपड़ा निकलना ये मैं मियानी पा देनी है इतने। तुम चाहो तो इन स्ट्रेट सलवार भी इस तरह ही बना सकते हो इतने आसन रख के, ठीक है जी। हुण मैं यदा आसन बड़ा रखना है क्योंकि मैं मियानी पानी है, ये मैं 14 इंच का आसन रखना आ। तो इतने रखनी हैगी मोरी, मोरी मैं 6.5 इंच तैयार करनी है, मैं 7.5 इंच 8 इंच मोरी दी कटिंग कर देनी है क्योंकि मैं ये पल्ले भी शो करने हैं, फिर मैं पल्लियां दे विच भी सिलाई दे विच मार्जन दबाना है, ठीक है जी। मैं 8 इंच दी कटिंग करनी है यदि, तो इतों जिहड़ा आपां ये वाला निशान लगाया इत्थे तक इस तरह तिरछा आपां लै लेना है, ठीक है जी। फ्रेंड्स देखो हुण इत्थे डिज़ाइन बनया होया, इस करके आप इस कपड़े की मियानी नहीं पा सकते, अदरवाइज होर सलवार आप कटनी होंगी है तो फिर आप यही कपड़ा चक के उपर पा दीदा आ, फिर ये मियानी पै जाती है, ठीक है जी। तो हुण ये वाले बॉर्डर थोड़ा एक्सट्रा हो जाना, इनू आप चाहो तो सूट के शर्ट बनाने के आप इनू यूज कर सकते हैं। हुण आप इतने कट कर देना है, छोटे कट लगा देने, कट टू कट फड़ के सिलाई लगा देनी है ताकि पल्ले शो होने लग पे, ठीक है जी। 5.5 इंच ही इतों,
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਿਆਨੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਤਹਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਓਪਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਸਣ, 10.5 ਇੰਚ ਆਸਣ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਮਿਆਨੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜ ਹੈਗਾ ਸਲਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਲਟ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। 23 ਇੰਚ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਦੀ, ਮੈਂ 22 ਇੰਚ ਰੇਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 1 ਇੰਚ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ 7 ਇੰਚ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 7 ਇੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/2 ਇੰਚ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੜ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਅਤੇ 4.5 ਇੰਚ ਇਹ ਬੈਲਟ ਰੇਡੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਿਚਿੰਗ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸਲਵਾਰ ਸਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਸਲਵਾਰ ਸਿਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਅਤੇ ਬੜ ਪਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੋਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਆ ਪੌਂਚੇ ਰੈਪ ਕਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਦੀ ਆਪਾਂ ਬੁਕਰਮ ਰੈਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਂ ਬੁਕਰਮ ਰੈਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਟਵਰਕ ਵਾਲੀ ਮੋਰੀ, ਮੈਂ ਸਲਵਾਰ ਸੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵਲ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਚੇ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਬੁਕਰਮ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਪਤਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਪੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਪੈਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਬਰੋਇਡਰੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੰਬਰੋਇਡਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੈਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬਾਫ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬੁਕਰਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫੋਲਡ ਹੋ ਸਕਣ ਅੰਦਰ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਟ ਲਗਾ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ ਕਟਵਰਕ ਬਾਹਰ। ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵ ਹੈ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। Thank you.
वर्क वाली मोरी बनाना दस्या होया आ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पा दूंगी, तुसी उत्थों देख सकते हो। ठीक है जी, कि बाकी मोरी जड़ी है किद्दां रेडी करनी है। जिहड़ा मेरा मेन मोटिव सी इस वीडियो दे विच ओ ए सीगा कि इस सलवार नू कट वर्क वाली नू कटना किवें आ, ते इहदी जिहड़ी है कट वर्क वाले मोरी हैगी आ, इहदे नीचे आपां बुकरम किवें अटैच करनी है। ठीक है जी, उम्मीद है कि तुहानू मेरा दस्या होया पूरी तरह समझ विच आ गया होवेगा। फ्रेंड्स, जे तुहानू मेरी वीडियो थोड़ी जी भी वधिया लगी है, थोड़ी समझ आ रही है, प्लीज़ एक लाइक जरूर दिओ। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे मेरी नैक्सट वीडियो के विच, तद तक दे ली बाय बाय।